हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो है एक स्क्रीन गार्ड। यस, आपने सही सुना, ये है एक स्क्रीन गार्ड। टीवी के लिए यूजुअली आपने स्क्रीन गार्ड नहीं सुने होंगे। ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ये एक्सप्लोर कर पाए प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। तो आपके मन में ये ऑब्वियस क्वेश्चन आया होगा कि हमने स्क्रीन गार्ड क्यों परचेज किया है और ये किस तरह से काम करेगा। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि स्क्रीन गार्ड कैसे है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है और इसका क्या पर्पस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो टीवी स्क्रीन को डैमेज कर देते हैं। तो देखिए, मैं इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। सो देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं किस तरीके से बच्चे खराब कर देते हैं टीवी के स्क्रीन को। ये टीवी उनकी एक्सेसिबल लिमिट में होता है। ये देखिए, ये पूरा टीवी जो है ये एक 65 इंच का टीवी है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे स्क्रीन पे यदि आप देखिए तो उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। तो देखिए, मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ जो है यहाँ पे। देखिए, बच्चे ने यहाँ पे भी स्क्रीन को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। सो जब भी आपके इस तरीके से टीवीज जो होते हैं, जो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और जब उन पे कुछ इस तरीके से डैमेज कोई बच्चा कर दे तो आप क्या करेंगे? प्रीटी ऑब्वियस है, आप एक स्क्रीन गार्ड चाहेंगे जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो स्क्रीन गार्ड है, ये है लाइन हेड करके कंपनी का। देखिए यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अनवील करके प्रोडक्ट इसमें किस तरीके से हमें मिलता है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग मिलती है। सबसे पहले इसके अंदर फ्रेजाइल की ब्रांडिंग है, जिसका मतलब यह है कि हमें ये प्रोडक्ट हैंडल विद केयर करना है। यदि हम फर्दर नीचे आते हैं तो देखिए, इसके अंदर हमें थोड़ी सी और डिटेल्स मिलती हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। इसमें एंटी ब्लू टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इसके अंदर आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। 25x30 स्ट्रॉन्ग ग्लास, दैट मींस इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू नहीं आने वाला। ये डस्ट फ्री है, कम्प्लीटली डस्ट रेजिस्टेंट है। और जहां तक बॉल एंड हैमर सपोर्ट का सवाल है, ये टीवी में कैसे पीछे से इंटीग्रेट होगा ये उसके लिए दिया हुआ है। यदि हम फर्दर नीचे आते हैं तो ये एंटी प्रोटेक्शन ग्लास है, दैट मींस स्पेसिफिकली फ्रॉम किड्स। ये आपके टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को एंड स्पेसिफिकली टीवी को प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए, हम जब यहाँ पे नीचे आते हैं तो हमें पता लगता है कि ये एक मेड इन जापान प्रोडक्ट है और इसे इंडिया में इम्पोर्ट किया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके बाकी फीचर्स कैसे हैं और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो चलिए, हम इसे निकालते हैं इसके बॉक्स के अंदर से और कुछ इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। जो ये प्रोडक्ट है, हमें एक बबल रैप के अंदर मिला है। चलिए हम इसका ऊपर से बबल रैप ही हटाते हैं और देखते हैं अंदर से प्रोडक्ट हमें कैसा मिलता है। तो देखिए, हमें ये फाइनली प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये 50 इंच के लिए है और फिलहाल ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं आपको कैमरा में इसके साइड एंगल से दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके ये किस तरीके से प्रोडक्ट। ये देखिए, आप इसे देख पाएंगे कितना ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। ये एक ग्लास है तभी इसके अंदर क्लैरिटी जो है वो इतनी सुपर ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, हमें जो ऊपर टॉप में है यहाँ पे इसके ग्रूव्स मिलते हैं जहां पे आप टीवी के टॉप में लगा सकते हैं। एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। और यदि हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ इसके ग्रूव क्लोजर्स हैं, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो बिफोर वी इंस्टॉल, मैं आपको बताता हूँ हमें इसके साथ क्या क्या मिलता है। हमें इसके साथ एक ये पूरा कंप्लीट ग्लास मिलता है जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं फॉर प्रोटेक्शन। इसके अलावा हमें ये दो बेल्ट मिलती हैं, जो दो बेल्ट हैं ये इंस्टॉल होंगी यहाँ पे ग्रूव्स के अंदर, एक यहाँ पे और एक टॉप पे, और इसी तरीके से एक राइट हैंड साइड टॉप और एक बॉटम पे। अदर देन द बेल्ट्स, हमें इसके साथ एक क्लीनिंग क्लॉथ भी मिलता है। ये देखिए, माइक्रो फाइबर का क्लीनिंग क्लॉथ है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो हमें ये चार चीजें मिलती हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, एक तो ग्लास, दो बेल्ट और साथ में एक क्लीनिंग क्लॉथ। चलिए हम इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब हम इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप इस बेल्ट को लीजिए और ग्रूव के अंदर डाल के थोड़ा सा फोल्ड करके आप वेलक्रो के साथ इसे अच्छे से चिपका दीजिए। सिमिलरली आप दूसरी तरफ भी लीजिए बेल्ट और कुछ इसी तरीके से ग्रूव में डालिए और उसको वेलक्रो के साथ ग्रिप से बंद कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये दोनों बेल्ट्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पे, वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब एज अ नेक्स्ट स्टेप, हम इस स्क्रीन गार्ड को उठाएंगे और टीवी के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे और जो ये बेल्ट है इनको पीछे से टीवी के साइड से लेके इन्हें क्लोज कर देंगे। तो
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसने पूरे टीवी को कवर कर लिया है, एकदम इसने एजेस पे कवर किया है, इवन इंक्लूडिंग टिल बॉटम। ये जो हमारा टीवी है ये सोनी का W67G टीवी है, ये बेसिकली एक एंड्रॉयड टीवी है, और यदि आप इसकी भी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो मैं लिंक आपको नीचे दिया है। आई होप दोस्तों ये अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी, और इस प्रोडक्ट को भी यदि आप परचेज करना चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज, आपका अपना रिपोर्टर, फिर एक नए प्रोडक्ट और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी ही जुड़ता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। We'll be right back.